तो अभी हम काफी देर से बैठे हुए थे, तो बातों बातों में हमने ना एक प्लान बना लिया है। तो अभी भाई से पूछते हैं वो क्या प्लान बनाया इन्होंने। सो गाइस, हमने अभी प्लान बनाया कि तो पार्क के साथ एक जगह दिख रही है हमें, वो जो बड़ी मस्त लग रही है देखने में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ठीक है, हमने बहुत सारी बातें की। सो मैं तो कह रहा हूँ कि भाई आप यहीं पे रुको, ठीक है, मैं कह रहा हूँ। सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, स्वागत आप सबका एक और नए ब्लॉग में। और सुनाओ दुंदा, क्या हाल है? तो गाइस, आज का ब्लॉग जो है टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे, तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए जल्दी से ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और हाँ गाइस, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, अगर स्किप करोगे तो यार आपको मज़ा कैसे आएगा ब्लॉग में। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखना, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, प्लीज़ सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से निकलते हैं घर से और चलते हैं डायरेक्ट स्कूटी लेके निंजे के पास, लेट्स गो। तैयारी देखो इसकी, बड़ा तैयार से रही। चले कुछ चल रहे हैं? मैं चल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बड़ा खुश है, काफी दिन बाद आ रहा हूँ। कहाँ खुश है? ठीक है, लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ। तो अभी हम तेल वगैरह डलवा के जहाँ से निकलने वाले हैं जिस जगह के लिए, वो आगे आपको ब्लॉग में दिखाएंगे। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं रामगढ़ क्षेत्र में, और अभी सबसे पहले हम जाएंगे मिलने अपने बचपन के दोस्त को, पहले उससे मिलेंगे उसके घर जाके, फिर उसके बाद चलते हैं आपको आगे लेके। तो बने रहे हैं हमारे साथ, वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, पूरी वीडियो देखोगे तो बड़ा ज़्यादा मज़ा आने वाला आपको। तो चलो जल्दी से चलते हैं। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं विजयपुर चौक में, और ये जो रास्ता है ये जाएगा सीधा उनके घर पे। मैं लास्ट टाइम आया था उसके घर पे जब उन्होंने घर अपना नया बनवाया था, तब आया था, और उसके बाद आज आ रहा हूँ। नीचे ले चलते हैं ना, हाँ नीचे ले चलते हैं। तो गाइज, अभी फाइनली पहुंच चुके हैं दोस्त के घर, और इसका उठने का टाइम आप देख लो, अभी जस्ट उठ के बाहर गया है, निंजा भी बैठा है मेरे साथ। अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर, आंटी को भी काफ़ी देर बाद मिले हैं आके, तो सच में अच्छा लग रहा है आज। अभी थोड़ी देर में ही निकलेंगे यहाँ से, फिर इनको भी यार काम वगैरह चल रहा है, इनको घर पे थोड़ा तंग नहीं करेंगे ज़्यादा, काम चल रहा है अभी, टाइल्स वगैरह लगा रहे हैं घर पे, तो ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, थोड़ी देर में ही निकलते हैं यहाँ से। तो गाइज, अभी हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली है, इससे भी मिल ली है, आप भी मिलो एक बार इससे। सो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे दीप टेनवी के ब्लॉग में। ओ सॉरी 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 सॉरी। तो गाइस, अभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह हमने पी ली है, दोस्त से भी मिल लिया, काफी देर बाद मिले हैं ना, तो सच में बड़ा मजा आया आज। अभी आपको भी इससे मिलाते हैं,
सो हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल द इंडियन फुटप्रिंट में। सो आज भाई हमारे पास आया है अमन भाई हमारे पास मिलने के लिए। सो गाइस, मेरे को तो सच में बड़ा ज्यादा मजा आया इससे मिलके। काफी देर बाद मिले हैं आज हम तो पुराने यार हैं। ये तो आपको इसका तो पता ही है गाइस, इसको बोलते रहे कि चला हमारे साथ, पर ये अभी निकल नहीं सकता घर से, काम लगवाया। अभी आपको पता उठा भी थोड़ी देर पहले ही है, तो इसको फिर थोड़ी देर सोने देते हैं, थक गया काम कर करके। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से, फिर आपको लेके चलते हैं डायरेक्ट वहाँ पे, फिर उसके बाद चलते हैं यार घर पे। चलें, चलो। तो भाई को बोलते हैं भाई, फिर दोबारा मिलते हैं किसी। तो गाइस यार एक बात और पूछनी थी, अभी भाई का भी एक यूट्यूब चैनल था, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा इसने क्यों बंद कर दिया वो चलाना, अच्छे खासे सब्सक्राइबर थे उस पे। भाई आपका क्या कारण है यूट्यूब चैनल को आगे नहीं बढ़ाने का? गाइस हम जल्दी स्टार्ट करेंगे फिर से अपनी यूट्यूब की जर्नी, अभी थोड़ा सा काम कुम चल रहा है, थोड़ा सा मतलब कुछ नया क्रिएटिव लाएंगे, तो देखते रहना और जल्दी हम वापस आएंगे। तो इसका भी आपको मैं लिंक दे दूंगा। हम भी काफी देर से जो है इनका वेट कर रहे हैं कि कब इनकी नई वीडियो आए। तो चलो इनको बाय बोलते हैं यार, तंग नहीं करेंगे ज्यादा अब। तो गाइस यार अभी हम निकलने लगे थे, पर आंटी जो है ना बिना खाना खाए हमें जाने नहीं दे रहे यार। मैंने तो बड़ा ज़्यादा बोला कि रहने तो फिर कभी आके खाएंगे, पर नहीं। और इधर इसको भी देखो नींद आने लग पड़ी है। तो अभी आंटी को बोला यार थोड़ा थोड़ा खा ही लेते हैं, चलो अब आंटी नाराज ना हो जाए ना, इतनी देर बाद आए हैं। तो थोड़ा सा खाना खा के फिर निकलते हैं यार जल्दी। तो गाइस जल्दी से खाना वाना खा लेते हैं यार, भूख भी लग गई है। तो गाइज अभी निकलने लगे हैं, खाना वाना भी हमने खा लिया है। तो अभी हम काफ़ी देर से बैठे हुए थे, तो बातों बातों में हमने ना एक प्लान बना लिया है। तो अभी भाई से पूछते हैं वो क्या प्लान बनाया इन्होंने। सो गाइज हमने अभी प्लान बनाया कि हम दोनों अब कोलैबोरेशन करेंगे, कुछ वीडियोस लाएंगे। तो बताना आप कमेंट में, नीचे कमेंट में बता देना हमें कोलैबोरेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो फिर हम एक नया कॉन्टेंट बनाएंगे, तो जल्दी से जाके कमेंट करो और बताओ कि हमें कोलैबोरेशन करनी चाहिए कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज। और ये जो कोलैबोरेशन हम करेंगे ना, ट्रैकिंग बेस पे करेंगे और नाइट कैंपिंग भी करने की कोशिश करेंगे, तो बड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा उसमें। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं फिर आपसे आगे चल के, और भाई से मिलने दोबारा फिर किसी दिन ज़रूर आएंगे। कैसा लगा आपको सर हमारे साथ मिलके? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ठीक है। हमने बहुत सारी बातें की। सो मैं तो कह रहा हूँ कि भाई आप यहीं पे रुको, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आप घूम के यहाँ पे आ जाओ वापस, ठीक है। नहीं, हम फिर कभी जरूर आएंगे, अब तो नाइट पे ही आना है, जब भी आना है। पर सच में आज ना मिलके काफी ज्यादा मजा आया मेरे को तो यार, काफी देर बाद मिल रहे हैं सही में हम। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस जगह पे, और इस जगह का जो नाम है इसको राड़ा बोलते हैं, यही बोलते हैं ना? हाँ, इसको राड़ा बोलते हैं। और वहाँ से जस्ट हम खा पी के निकले थे, तो डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं। और यहाँ की जो मेन बात है ना, जो मैंने पहले भी आपको जगह दिखाई है, स्वांखा दिखाया था, जिसमें मैंने आपको पीरखों की जगह भी दिखाई थी, वहाँ के जो मेन बड़े बड़े गुरु और ये महंत होते हैं ना, उनका जो मेन रहने की जगह है वो यहीं पर आके रहते हैं। मतलब राड़ा जो है मेन जगह है जहाँ पे बड़े बड़े गुरु वगैरह जो है यहाँ पे आके रहते हैं। तो अभी जल्दी से हम आपको यहाँ का व्यू दिखा देते हैं, एक बार राउंड करवा देते हैं, तो फिर उसके बाद चलते हैं वापस। तो गाइज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुराना कुआं भी मिला है, आपको कुआं भी दिखाते हैं।
काफ़ी ज़्यादा पुराना कुआ लग रहा है, ये जो है बंद कर दिए ऊपर से। और इसी के साथ यहाँ पीछे एक तालाब भी है, ये नहाने वगैरह के लिए होता है, पर फिलहाल तो इसमें जो है पानी सूख चुका है और नया पानी शायद भरेंगे इसमें। तो ऐसे यहाँ पे एक पार्क भी है बैठने वगैरह के लिए, तो अभी अंदर दिखाते हैं आपको। ये काफ़ी साफ़ होता था पहले, मैं जहाँ पे नहा के भी गया हूँ। अभी भी साफ़ हो जाएगा क्योंकि ये सर्दियों में पानी जो है चेंज नहीं किया ना इसका, तो अभी गर्मी आ गई है, तो अभी पानी जो है चेंज करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ पानी हो जाएगा। अभी सामने आपको मंदिर में लेके चलते हैं, भैरवनाथ जी का मंदिर है। गाइस यहीं पे अभी पीछे स्वांखे वाले बाबा जी की भी जगह है, बाबा गोरखनाथ जी की, ये देखो पीछे सारी जगह है। तो पार्क के साथ एक जगह दिख रही है मैं, वो जो बड़ी मस्त लग रही है देखने में। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं पार्क में, ये छोटी सी पार्क यहाँ पे बनाई है, और इसी के साथ पीछे ना एक जगह दिख रही है, बड़ी सही लग रही है वो जगह देखने में, तो वहाँ चलते हैं। तो हमने जो पार्क में एंट्री ली है ना वो गलत ली है, हमने बाहर की साइड से आना, चलो उधर से चले जाते हैं, चलो वहाँ से बाहर निकलेंगे। पेड़ कितने मस्त लग रहे हैं, कितनी शांति है यहाँ पे, ऐसी जगह पे आकर ना बड़ा ज्यादा मजा आता है। तो गाइज ये था आज का ब्लॉग, आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया हो। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करिए जाए मेरा। तो मिलते हैं इसके बाद आपसे एक और नई जगह में, एक और नए ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।